तो हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आप लोगों के डिमांड पर आज हम लाभ और हानि का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो क्रैश कोर्स के तहत आगामी परीक्षा के लिए ला रहे हैं, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए चलते हम अपने प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीद कर 800 रुपया इसकी मरम्मत में लगाए और यदि इसे 58 रुपया में बेचे तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा, उसे कितना परसेंट लाभ होगा। तो देखिए ये लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग समझ जाइए कि जब भी लाभ होगा तो छोटा वाला लाभ होगा, तो छोटा वाला हानि होगा तो बड़ा वाला लेना है। तो चलिए इसी पर हम लोग चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पुनीत ने पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीदा है, 4700 रुपया में खरीद लिया है और उस पर 800 रुपया मरम्मत किया, मतलब कि इसी में हम लोग जोड़ दिए। तो देखिए ये कितना का हो गया, 4700 के स्कूटर हो गया, 5500 का स्कूटर हो गया। तो पुनीत ने जो लगाया वो 5500, मूलधन कितना हो गया तो 5500। तो अब इस पर कह रहा है कि 5800 रुपया को बेचे तो उसे कितना परसेंट का लाभ हो, तो लाभ हो तो हम कहें कि लाभ हो तो छोटा वाला लेना है, लाभ हो तो छोटा वाला लेना है। तो इसका अंतर निकाल लीजिए, तो 5800 माइनस 5500 तो यहाँ पर हो जाएगा 300। तो लाभ कितना हो रहा है तो 300। तो बस आपका आंसर आ गया 300 बटा, हमने कहा कि जब लाभ हो तो छोटा वाला, तो 5500 छोटा वाला है तो 5500 को नीचे कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग हल करते हैं तो 5 से करते हैं तो ये 60 हो गया और 5 से 11 हो गया, तो 60 बटा 11, तो 11 5 55 और 5 यहाँ पर 11% यहाँ पर लाभ है, तो लाभ लिख दीजिए। इस तरीका से इसका आंसर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकाल सकेंगे। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से दुकानदार को 15 रुपया लाभ होता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। जब हमको लाभ ज्ञात करना रहता है तो छोटा वाला करते हैं, बस इसी पर आप लोगों को आंसर करना है। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपया में बेचने से 15 रुपया का लाभ हो रहा है, मतलब कि उसका जो क्रय मूल्य हुआ वो 85 हुआ, क्रय मूल्य हुआ वो 85 रुपया हुआ, बस इसी पर आपका आंसर आ गया। और कह रहा है उसका लाभ ज्ञात कीजिए, यही दोनों का अंतर है 15, तो 15 ऊपर में और नीचे छोटा वाला, तो बड़ा वाला ये हो गया छोटा वाला ये, तो नीचे छोटा वाला गुणे 100 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देखिएगा कि ये करता है 17 5 85 3 5, तो यहाँ पर 300 बटा 17। तो इसको हल करने के लिए आप लोग को स्क्वायर आना चाहिए, तो देखिए 17 17 289 हो गया, 11 यहाँ पर हो गया, और छोटा जब रहेगा, छोटा नीचे लगाएंगे हम तो हमारा लाभ होगा, तो लाभ यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी और अच्छी तरह से आप लोग जल्दी से निकाल सकेंगे। चलिए बढ़ेंगे अपने इसी तरह अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच, यदि एक रेडियो सेट 1120 रुपए में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है, 60% लाभ लेने के लिए इसे कितना में बेचा जाए। तो क्वेश्चन एक बार आप लोग पुनः सुन लीजिए कि एक रेडियो सेट है जिसका मूल है 1120 रुपए में बेचा जाता है, तो उसे 40% का लाभ होता है, तो 60% लाभ लेने के लिए उसे कितना पर बेचा जाए, चलिए आज हम सीख लेते हैं। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पर 1140 है मतलब कि 1120 है मतलब कि 40% लाभ पर बेचा है, तो मतलब कि 140
तो हम यहाँ पर आपको एक बहुत शॉर्ट फॉर्मूला बता देते हैं, जिसको हमने परसेंटेज में बताया था कि 100 का हम लोग को 10% निकालना होगा, किसी भी संख्या का 10% निकालना होगा। तो आप लोग टक से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 1.0 हटा दीजिए, इसके बाद जो भी बचा वो 10% होता है, उसके बाद 1 और बढ़ा दीजिए तो ये जो बचा 2 को हटा दीजिए तो ये हो जाता है 1%। उसी तरह हम लोग इसका 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे हमको लाभ कितना लेना है तो 60%, तो हमारा 100 निकाल कर तब 60 लेना है, मतलब कि 160, तो 160 से हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। देखिए 1120 का 140%, मतलब कि हम लोग 1% निकाल रहे हैं, मतलब कि हम लोग को 1% निकालने हैं इसके हिसाब से, और उसमें 1% में हम लोग 160 से गुना करते हैं तब हमारा 160% हो गया। तो चलिए 100 मूलधन हो गया और 60 हमको लाभ लेना है, इसलिए हम लोग 160 लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से 7 हो गया, यहाँ से 8 हो गया। उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको देखिए 7 × 7 यहाँ पर 4 हो गया, 7 × 6 = 42, 112 कट गया, यहाँ पर 0। तो अब हो गया कि 16 × 160 × 8, तो 16 × 8 = 128 और 0, तो 1280 रुपया होगा। तो वो जो रेडियो सेट है उसको 60% लाभ पर जब बेचेगा तो वो 1280 रुपया में बचेगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता का कितना % लाभ या हानि होता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें लाभ और हानि हम लोग कैसे पहचानेंगे, कि आखिर इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तभी हमको छोटा या बड़ा हमको निकालने में लगेगा। तो देखिए आप लोग सीख लीजिए लाभ और हानि, इसमें हम लोग लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो हम लोग बता दें आपको कि 8 वस्तु खरीद रहा है, 8 मतलब कि 8 सामान खरीद कर उतना ही दाम में 9 बेच रहा है, मतलब कि 8 को 80 रुपए में खरीद रहा है, 80 रुपए में 9 बेचेगा तो उसको घटा जाएगा, तो घटा जा रहा है, मतलब कि इसको इसका पूरा में आपको हानि, जो भी आंसर आएगा उसमें हानि आएगा। तो इस तरीका से इसको पहचानेंगे हम कि इसमें हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम करेंगे कि दोनों का अंतर 9 - 8/2, जब हानि हो रहा है तो बड़ा वाला, गुणे 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 × 100/9 यहाँ पर हो जाएगा 100/9, यहाँ पर हम हल करेंगे तो 9 = 11.99 एक हो जाएगा और ये हो रहा है परसेंट में हानि, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हानि होगा। तो इस तरीका से बहुत ही अच्छी ढंग से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, छोटा प्लेटफॉर्म पर आप लोग को इतना मस्त ट्रिक दिया जा रहा है तो आगे इसी तरह शेयर कीजिए। और आगे हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच, की एक फल विक्रेता ने 100 संतरे को 350 रुपया में खरीद कर 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, उसे लाभ हुआ या हानि। इस क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है बहुत ही आसानी से और ट्रिक विधि से, बहुत जल्दी बनाना है क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जितना जल्दी से हो जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को हम लोग को बना लेना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 100 संतरा है और 350 रुपया में खरीद रहा है, मतलब कि एक संतरा का मूल हो गया, यहाँ से 100 से भाग दीजिए तो 3 रुपया 50 पैसा, 3 रुपया 50 पैसा। अब कह रहा है कि 48 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन के मतलब होता है एक डिजिट बराबर होता है 12,
एक दर्जन बराबर 12 ये सभी को आना चाहिए, एक दर्जन बराबर 12 इसी को भाग दे दीजिए 12 से, आपका आ गया 4, आपका आ गया 4 मतलब कि 3.5 रुपया में खरीद कर 4 रुपये में बेच रहा है। आप लोग को बस यही करना है कि 3.5 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेच देना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर लाभ आपको हो रहा है, लाभ हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, 3.5 रुपये खरीद रहे हैं और 4 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब की लाभ हो रहा है, लाभ यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो कितना का लाभ हो रहा है, तो 50 पैसा का, और 50 पैसा का लाभ हो रहा है तो 100 में गुना कर दीजिए, क्योंकि 100 को आपको जो 17 है वो 17 की संख्या है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 17 की संख्या बराबर 100, और 100 गुने 1/2 कर देंगे, 50 को हम लोग 1/2 कर दिए, तो 50 पैसा को 1/2 कर दिए, यहाँ पर आ गया 50, मतलब कि 50 रुपया लाभ हो रहा है, 50 रुपया लाभ हो रहा है। तो इसको हम लोग परसेंटेज में हम लोग को निकलना है, प्रतिशत में हम लोग को निकलना है कि लाभ हुआ अथवा हानि हुआ। तो हमको तो लाभ हुआ, लेकिन कितना लाभ हुआ परसेंट में हम लोग को निकालना है। तो देखिए 50 को ऊपर लिख दीजिए और नीचे जब लाभ हुआ तो छोटा वाला, लाभ हुआ तो छोटा वाला, तो कितना है 350 है, छोटा है तो 350 है, अगुने 100 हम लोग कर दिए, हमारा आंसर देखिए आ रहा है 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 7 हो गया, तो यहाँ से हम करेंगे तो 100/7 तो 14/98 14/98 और यहाँ पर 2 हमारा लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लाभ लिख देंगे। तो इतना सटीक और इतना जल्दी इसका आंसर आ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आप लोग को जो भी विषय में, जो भी विषय में आप लोग को ट्रिक चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे हैं उसी तरह करते रहिए, हम आपको जैसे ही समय मिलता है सभी को हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे से जो ट्रिक मांगेगा उसको हम यथासंभव यथा समय उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक रेलवे का स्टूडेंट है, मुझे भी तैयारी करना रहता है, मेरा भी एग्जाम आगे है और हमने एनटीपीसी एग्जाम दिया लेकिन मेरा मेंस नहीं हुआ। तो आगे बढ़ेंगे अपने इसी तरह अगले क्वेश्चन पर, तो आप लोग देखते रहिए पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फ्रेंड छठा प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। ये प्रश्न आपको नो कॉपी नो पेन के मेथड से आज आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग एक बार बोर्ड पर देख लीजिएगा कि ए ने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दिया और बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो सी ने इसे कितना में खरीदा। ये आपको कॉपी बिना विदाउट कॉपी पेन के मेथड से आप बताने जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि 100 लिख दीजिए, 1 हटा दीजिए तो आपका जो भी बचा वो 10% है, 2 हटा दीजिए उसके बाद जो बचा वो 1% हुआ। तो हमने बस इस क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु को 400 रुपया में खरीदा, 400 खरीदा और 20% के लाभ पर बेच दिया, 20% के लाभ पर बेच दिया, मतलब कि यहाँ से एक इसको हटा दिए तो 10% हो गया, ये 10% हो गया और इसमें 2 से गुना कर दिए हम लोग, तो ये 20% हो गया तो 80 हो गया। तो बी को कितना में बेचेगा जी, तो 400 प्लस 80 बराबर 480 ए बी को बेच रहा है 480 रुपये में, और बी कह रहा है कि जितना भी मूलधन को लिया 10% ज्यादा पर बेच दिया, तो मतलब कि एक लास्ट टोटल हटा दीजिए आपका एक लास्ट हटा दीजिए तो कितना में ज्यादा बेचा, तो 48, तो यही सी बराबर हो जाएगा 480 प्लस 48, इसको जोड़ दीजिए आप लोग का आंसर आ जाएगा 528। तो इस तरीका से जब आप लोग को इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग मुझवानी और नो कॉपी नो प्रिंट की मेथड से बनाइएगा। तो देखिए हमने क्या किया कि 400 रुपया है, 400 रुपया का 20% हम डायरेक्ट गुना भाग किए, इसका 20% निकाले, एक हटा दीजिए तो 40 बच गया और 40 को 2 किए तो 80 हो गया, और 80 400 में हमने जोड़ दिए तो 480 हो गया, और 480 का 10% कहेगा तो लास्ट वाला को हटा दीजिए तो 48 हो गया, 48 बच गया तो 48 480 में जोड़ दिए हम लोग का 528 हो गया। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो ये छठा प्रश्न
छठा प्रश्न आप लोग अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में सिक्स नंबर लिखकर सिक्स नंबर जरूर लिखिएगा और कहिएगा कि हाँ अच्छा है या खराब है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड आगे हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक प्लॉट को 37,400 रुपए में बेचने से विनोद को 15% की हानि होती है, यदि वह कितना में बेचे को उसे 15% का लाभ हो। इस क्वेश्चन का हम लोग हल आज करने वाले हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल कितना आसानी से और कितना जल्दी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 37,400 रुपए में बेचने से उसे 15% की हानि होता है। हानि होता है मतलब कि इसको 15% का हानि होता है, मतलब कि टोटल जो परसेंट में होता है वो 100 होता है। तो हानि होता है तो मतलब कि 85% बराबर हो गया 3740। 85% यहाँ पर कर लीजिए, 85% यहाँ पर है 37,400 अबट्टा में हो जाएगा 85 यहाँ पर हो गया। और कितना लाभ लेना है जी, तो 15% मतलब 15% किसके पर लेना है तो 100 पर लेना है। 100 पर लेना है तो वही 100 से गुना कर 115 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ रहा है। देखिएगा कि 5 से कटा दीजिए तो 5 से 23 होता है और 5 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 17। अब 17 को 374 से कटाइए तो देखिए 17 दूनी 34 तो 3 हो गया, फिर 17 दूनी 34 मतलब कि 220 आ गया, 220 आ गया। तो 220 गुने 23 जो भी आपका आंसर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 50,600 मतलब 50,600 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीका से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच है कि प्रीति ने एक पुस्तक को 10% हानि पर बेची। प्रीति एक पुस्तक को 10% हानि पर बेची, यदि वह 85 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 7% का लाभ हुआ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग आपके बीच ट्रिकी विधि से, ट्रिक से भी फास्ट विधि से आपको बीच बताते जा रहे हैं। तो देखिए जब लाभ हानि दोनों हो तो यहाँ पर 10% के हानि पर बेच दी और उसको 7% लाभ लेना है तो उसको हो रहा है 85 रुपया, मतलब कि लाभ हानि हो, लाभ हानि दोनों हो तो जोड़ दीजिए 17% बराबर 85, तो 1% हमारा निकल गया 85/17 तो 5, 1% बराबर हमारा आ गया 5, तो हमको 100% निकालना है तो 5 × 100 तो टोटल कितना आ गया जी, तो 500। तो इस तरीका से बनाना है कि आप लोग को दम तुरंत देखिए और आंसर आ गया। आप लोग तुरंत क्या किए कि जब घाटा और नाफा दोनों ओर को लेना था तो पहले वो हानि सह लिया, उसके बाद कह रहा है कि लाभ लिया होता तो इतना में बेचा होता, तो बस इसको लाभ ला दीजिए कि दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के उसे भाग ले दीजिए, आपका 1% आया, 1% बराबर 5 तो 100% बराबर 500, इसका आंसर जो क्राइम रूल हो गया वो 500 हो गया। इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आगे बढ़ते हैं अपने नौवां प्रश्न पर। तो नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही बाट का प्रयोग करता है, मतलब कि बाट में वह डंडी मार लेता है, तो वह उसको लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि जब 1000 ग्राम के जगह 900 ग्राम वो दे तो उसको कितना परसेंट लाभ होगा। तो हमने बताया था कि सबसे पहले उसको लाभ निकालने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर 1000 ग्राम का था कोई सामान 1 केजी के था लेकिन वो क्या किया 900 ग्राम ही उसको दिया, तो उसको जो व्यापारी है उसको 100 ग्राम का लाभ हुआ, 100 ग्राम लाभ हुआ। तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा, तो जब लाभ हुआ तो छोटा वाला, लाभ हुआ तो छोटा वाला, तो ऊपर में हमारा 100 ग्राम का जो लाभ हुआ उसको ऊपर और जो हमारा लाभ हुआ तो लाभ हुआ तो छोटा वाला, तो नीचे 100 हो गया, 900 हो गया और गुने हम परसेंट है तो हम 100 से गुना करेंगे। हमारा आंसर आप लोग देखिए कैसे आता है, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 100 बटा
9 आ गया, तो अब 100 में 9 से भाग दे दीजिए तो 11.99 परसेंट में है लाभ। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा लाभ हो रहा था ऊपर में ही, तो नीचे में भी लाभ होगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया। तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। ये क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी या अन्य एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए कि एक दुकानदार दो घड़ियों में प्रत्येक को 616 रुपए में बेचता है। इस प्रकार वह एक घड़ी को 12% लाभ और दूसरे घड़ी पर 12% का हानि सहता है, तो उससे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए कि जब दोनों दो घड़ी या दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचे तो उसको हमेशा हानि होगा, उसको हमेशा हानि होगा। जब समान मूल्य पर बेचे तो उसको हमेशा हानि होगा, ये नोट में लिख लीजिएगा आप लोग को, हमेशा उसको हानि होता है। और समान को कितना में बेच रहा है, तो 616 रुपया में प्रति जो घड़ी है वो 616, लेकिन कह रहा है कि एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% का हानि हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिए। तो देखिए हमने एक सूत्र बताया था आयत में कि ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। इस क्वेश्चन को हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है, इस ट्रिक को हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए इस पर बैठाते हैं। तो 12 माइनस 12 यहाँ पर प्लस है और प्लस माइनस माइनस में हो गया, क्योंकि हमको यहाँ पर हानि होता ही होता है। यहाँ पर 12 गुने 12 बटा 100, तो प्लस माइनस दोनों कट गया, तो यहाँ पर हो गया 144 बटा 100। इसको अगर हम 4 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25। 36 और 25 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर भाग देते हैं तो 25 एकम 25 और ऊपर में 11 हो जाएगा परसेंट। और यहाँ पर हमने बताया आपको कि हमेशा देखिए यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब कि हानि होगा ही होगा। जब एक ही क्रय मूल्य पर दो वस्तु को बेचा जाए तो हानि होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें और क्या आप किस चीज किस टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिए, किस टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिए, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, हम आपके बीच प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।